बैलगाड़ी पर सवार अनोखे अंदाज में आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने और अन्य राजनीतिक दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने निकले राजिम विधानसभा के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी रोहित साहू। इस मौके पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, किंतु जीत का दावा करने वाले साहू समय सीमा समाप्त होने के कारण निर्वाचन कार्यालय में नामांकन जमा नहीं कर सके। इस मामले पर रोहित साहू का कहना है कि वे नामांकन जमा करने नहीं आए थे, बल्कि पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकाल कर निर्वाचन कार्यालय में प्रवेश करने आए थे। चुनाव का माहौल है तो नेता भी बड़े अजीब हैं। हमने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए हैं, लेकिन आज फार्म जमा करने का नहीं था। हमको निर्वाचन शाखा में अपने फार्म जहां जमा करते हैं वहां तक प्रवेश करने का था। आज हम नेक्स्ट दिन और मुहूर्त निकलवाए हैं, आने वाले 1 तारीख को गुरुवार के दिन, उस दिन हमारा पूर्ण फार्म जमा हो जाएगा। हमारा मुहूर्त के हिसाब से हम कार्यालय तक पहुंचे हैं, आने वाले हमको तो 2 या 3 फार्म जैसे भरना है, तो आने वाले दिन में हम फिर मुहूर्त लेके कोई शक्ति प्रदर्शन या कोई ऐसा नहीं दिखाएंगे, लेकिन फार्म जमा करने आएंगे। और देखिए, ये क्या है, हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का रुझान है, लोगों का प्रेम है। इस समय छत्तीसगढ़ में और पूरे राज्य विधानसभा में पूरे हमारे किसान लोग, हमारे युवा साथी लोग, बेरोजगार लोग, हमारे पूरे गांव के हर व्यक्ति एक मन बना लिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अब की बार योगी सरकार बनाने का संकल्प ले लिए हैं। हमारा टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस तो कहीं कुछ है ही नहीं है राज्य विधानसभा में। हमारा जो सीधा सामना होगा भारतीय जनता पार्टी से होगा और सीधे संतोष उपाध्याय जी से होगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।